गाइस कल जो है ये बादल यहाँ पे फटा है और सारा पानी वहाँ से यहाँ है और अभी तक पानी पानी है। ये नदी यहाँ से चलती थी बट इधर तक जाके सारे खेत वेत ख़त्म करके अब ये वापस इधर जा रही है और वहाँ जाके पुलिस ने डैमेज कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ चल के आगे, देख रहे हो खम्बा भी पूरा टेढ़ा हो गया है, इतना पानी का फ्लो था तेज़। ये देख रहे हो आप, एक हिस्सा तो पूरा गया है पुल का। पिछली बार जब वीडियो बनाई थी मैंने तो वो वाला हिस्सा डैमेज हुआ था और वो वाला हुआ था और अब तो पूरा ही हिस्सा ख़त्म हो गया, मतलब कनेक्टिविटी जो है कम हो गया पूरा यहाँ का कोटद्वार का यहाँ से। और जो है लोग रिस्क उठा के देखो ना पानी में जा रहे हैं बाइक से, ये देखिए आप क्रॉस कर रहे हैं बाइक सवार जो कोटद्वार से इधर की तरफ आते हैं यूपी में। मतलब पानी का फ्लो अभी इतना तेज़ है, ये देख रहे हो आप, बहुत ही तेज़ फ्लो है पानी का। तो चलिए चलते हैं कोटद्वार सिटी में और दिखाता हूँ वहाँ का मंजर। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ब्रिज देख रहे हैं, ये माता रोड का है, माता मंदिर रोड का। और यहाँ पे रात का मंजर आप देखिए, हर जगह तबाही थी, मतलब बादल फटने के बाद पानी ऊपर तक था ब्रिज के, कितना नीचे ब्रिज है आप देख ही सकते हो और फ्लो देख रहे हो अभी वाटर का कितना तेज़ है। कुछ और देर तक आता तो ये सारी बिल्डिंग्स ख़त्म हो जाती, अभी ये जो बाउंड्री वगैरह ये सब ख़त्म हो गई हैं। अभी आप मेरी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिएगा तो आप सोचिए कितना भयानक मंजर था वहाँ पर इस टाइम पे। ये देखिए सब दीवार विवार सब खत्म हो गई, कितना नीचे है और कितना ऊपर फ्लाईओवर है आप देख रहे हो, 10-15 फीट का ऊंचाई है और इतना पानी था यहाँ तक। ये वीडियोस किसी और की बनाई हुई हैं, पॉसिबल नहीं था रात में जाना तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से उठा के इसमें डाली है। गाइस प्लीज़ देखिए, पाँचवें मील की कोटद्वार से आगे बादल फटता हुआ यहाँ। ये कि भाई सोच का कनेक्टिविटी का पुल पूरा क्षतिग्रस्त होता हुआ, सोच के पुल के पास बस बहकर आई जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा पेड़ पुल के अंदर फंसा हुआ है। सारा नदी बन गई है, बहुत चौड़ी है ये जो नदी बह रही है ना, इसके इधर तक ये पूरी सड़क थी, सड़क पूरी बह गई है। वो पानी देख रहे हो कितना तेज़ आ रहा है, बड़े बड़े पेड़ आए हैं बह के ऊपर से, बहुत बड़े बड़े पेड़ आए, क्लाउड बस्टिंग की वजह से ऐसा हुआ है। टेम्पो बढ़ाए, पूरा बह गया टेम्पो। भाई साहब दम कहर था कहर।
सो अभी हम जा रहे हैं सिद्धबली की ओर, और रास्ते में पूरा पहाड़ नीचे आ गया लैंडस्लाइड होके। ये देखिए एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया, ये जेसीबी ने हटाया है, जगह जगह जेसीबी लगी है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, काफ़ी फ्लड की वजह से उनका घर में अच्छा खासा कीचड़ हो गया है, बहुत बड़ा बड़ा, और इसके अलावा उनका सामान भी बह गया काफ़ी सारे लोगों का। तो अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं पूरी तबाही आपको। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी। थोड़ा सा दर्द होने के लिए स्कूटर अपना सब ये टूट टूट के आ गए नीचे। गाइस ये क्लाउड बस्ट और सारा सब कुछ तोड़ के ले गया है, ये देखिए यहाँ ये सब जगह मलबा मलबा है, वहाँ जेसीबी लगी है और बुरा हाल हुआ पड़ा है गुरुद्वार का इस टाइम पे। ये तो ये पूरा रास्ता साफ किया जेसीबी ने, बोरी जेसीबी, पूरा पहाड़ नीचे आ गया भाई साहब। ये सामने से देखिए, ये पूरी एक वॉल थी, एक दीवार थी वहां से लेके वहां तक की, सब तोड़ के आ गया। गाइस ये सन्ने वाली नदी है और सन्ने की नदी नीचे है बहुत, और यहाँ तक पानी आया था सड़क तक, मतलब आप समझ रहे हो किस कदर का पानी होगा। और ये करीबन 10-12 फुट ऊपर है, उसके बावजूद यहाँ तक ऊपर पानी आ गया था। ये सारा गेट वेट सब उखाड़ के ले गया जो बाढ़ आई थी, यहाँ से बादल फट के आया था ना, हमारे सामने गेट है जंगलात का, सब उखाड़ के ले गया वो। ये सामने चौकी है, इसमें भी पानी था, तबाह कर दी सारी ईंट, गेट वेट सब तोड़ के ले गया पानी, कितना पानी भाई, सही में तबाही मची है भाई। ये देखिए अब सारा गेट वेट सब तोड़ दिया है, ये दीवार थी बाउंड्री थी पूरी इसकी, वहाँ से आया पानी फ्लो में बहुत तेज़। बादल तो ऊपर फटा था मगर नीचे तबाही मची है, और ये इलाका जो है ये है नगीना टू बरहापुर मार्ग, जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है। एक नदी पड़ती है यहाँ पे खोबराज, उसका पानी इतना तेज़ था कि उसने ये पूरा, अभी जो रोड बनी थी रिसेंटली वो ख़त्म कर दी है, अब ये पता नहीं कब बनेगी रोड। तो बी सेफ गाइस, यही था मोटिव बताने का आपको कि बारिश हो रही है, ज़्यादा ट्रैवल ना करें पहाड़ी एरियो में और सेफ़ रहें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह।